चलो स्टार्ट करें। आ चलो ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका मॉक टेस्ट पेपर 2 सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो अपलोड किया था। सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो पेपर अपलोड किया कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 मॉक टेस्ट 2, उसका पूरा पेपर हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मॉक टेस्ट पेपर 1 था ऑलरेडी हमारा डिस्कशन करके अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लीज वो यूट्यूब चैनल में रेफर कर सकते हैं। ये रहेगा मॉक टेस्ट पेपर 2। चलो एक काम करें, फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये वाले पेपर में ना सीएम इंस्टीट्यूट क्या किया, जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया एज कंपेयर टू पेपर 1। जो पहला 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो वहां पर भी था, यहां पर भी है। ये था सेक्शन ए सेक्शन बी 20 नंबर एमसीक्यू, 20 नंबर ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब। तो 40 नंबर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अब अगला था ये, मतलब सेक्शन ए 20 मार्क, सेक्शन बी 20 मार्क, वो अभी भी है। सेक्शन सी पहले जो था वो था 40 मार्क का, जहां पे 4 क्वेश्चन करना था 10-10 मार्क का, और सेक्शन डी था 20 मार्क का जहां 2 क्वेश्चन करना था 10 मार्क का। पर ये वाले पेपर में ना उन्होंने थोड़ा बदलाव किया। ये क्या किया, 4x12 करना, 4 ही क्वेश्चन है पर 10 नहीं 12-12 मार्क का, यानी 48 कर दिया। और यहां पे जो 2 क्वेश्चन करना था उसकी जगह 1 बनाया 12 मार्क का, ये हो गया 12। तो कुल मिला के अब कितना चल रहा है 100। यानी शॉर्ट अदर देन जो 40 मार्क शुरू में था, इसके बाद मॉक टेस्ट पेपर 1 के हिसाब से 6 क्वेश्चन करना था 10-10 मार्क का, पर मॉक टेस्ट पेपर 2 के हिसाब से 6 नहीं 5 क्वेश्चन करना है 12-12 मार्क का। तो और एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न ये लोग आगे फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए एक क्वेश्चन तो यहां पर बच गया, तो चलो अच्छा बात है। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये पेपर का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहले आते हैं सेक्शन ए के अंदर में, जहां पे 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू 1-1 मार्क का। फटाफट देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द लिमिट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर इज कॉल्ड। देखो थ्योरी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, एक वर्ड था कॉस्ट कंट्रोल, एक था कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मेरा एक कंपनी क्या करेगा, कुछ भी हो जाए वो स्टैंडर्ड के अंदर में ही कॉस्ट को इनकर करने का कोशिश करेगा, यानी शॉर्ट विद इन द सेट लिमिट। अगर वो बायचांस कॉस्ट को मेंटेन करता है वो क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, एक परमानेंट रिडक्शन, एक रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट। यानी पहले वाले में स्टैंडर्ड सेट किया उसके अंदर कॉस्ट रखना है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में स्टैंडर्ड को ही चैलेंज करता है कि यार जो स्टैंडर्ड है उसको क्यों ना कम करें, ताकि मेरा कॉस्ट जिंदगी भर हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस पे मेरा रिड्यूस हो जाए विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी। तो यहां पे क्या बोला, विद इन द सेट पैरामीटर्स कॉस्ट को रखना है, मतलब ये कॉस्ट कंट्रोल है, डन। पर वही अगर बाय चांस बोलता ना कि रियल परमानेंट रिडक्शन करना है इन कॉस्ट विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी, तब ये मेरा क्या बनता, कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट्स जैसा डाटा कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टी, अगर इंटरनली हो टॉप मैनेजमेंट करे तब इस केस में कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या है। पर अगर बाय चांस कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया बिजनेस के साथ थर्ड पार्टी, तब इस केस में ये कौन सा अकाउंट्स बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमारा एक चैप्टर था बजट, चैप्टर बजट में हम लोग जाने थे फंक्शन वाइज, उसमें हम लोग जाने थे बिहेवियर वाइज कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट को क्लासिफाई करने का बहुत तरीका है, पहला बिहेवियर वाइज, यानी कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा विद द चेंज इन आउटपुट। तो हम लोग निकाले थे, एक था वेरिएबल कॉस्ट, एक था फिक्स कॉस्ट, एक था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगला था कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करना, तब उस केस में क्या रहेगा, कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। एक रहेगा फंक्शनल बेसिस पे, तो उसमें एक आएगा फैक्ट्री के अंदर में जो कॉस्ट लगा, फैक्ट्री ओवरहेड। अगला हेड ऑफिस में लगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेलिंग के लिए लगा, सेलिंग कॉस्ट। अगला गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहां पे क्या बोला है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी इसका बात कर रहा है। तो देखो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, आंसर क्या रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड, या ऑफिस ओवरहेड, या सेलिंग ओवरहेड, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
और मेरा कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। और मेरा कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, वो बेसिस और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वो बेस और जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉस्ट को या रेवेन्यू को रिकवर करते हैं कस्टमर से। और जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन में, बस में क्या रहेगा, पैसेंजर किलोमीटर, और लॉरी में क्या रहेगा, टन किलोमीटर, हॉस्पिटल में क्या रहेगा, पर पेशेंट पर डे, हमारा होटल में क्या रहेगा, पर रूम पर डे, पावर जनरेशन में क्या रहेगा, पर KWH, यहां पे है ऑटोमोबाइल। और जैसे मान लो हम लोग के केस में क्या रहेगा, पर स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो जब पैसा चार्ज करेगा कैसे करेगा, पर व्हीकल, पर कार। तो आंसर क्या रहेगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स, वेरी इजी। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, क्या क्या ऑप्शन है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, ऑल ऑफ द अबव। यहां लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, यहां पे एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा क्या है भाई, रॉ मटेरियल का। अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो एफजी बनाएंगे कैसे, तो यहां पर क्या बनेगा, मटेरियल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर एम्प्लॉइज एफर्ट एंड स्किल्स, यानी जो अपना एम्प्लॉय का एफर्ट है या जो उसका स्किल सेट है उसके अगेंस्ट में जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, विच इज अप्लाइड डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली इन प्रोडक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड कर सके प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो भाई जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना रहा है वो वर्कर कौन है, डायरेक्ट वर्कर, और वैसे वर्कर को जो वेजेस मिलेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट वेजेस। तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में बहुत सारे एग्जांपल था, यहां पे इसका ऑप्शन 3 ये लोग गलत दिया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू साइट। जैसे मान लो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइट में काम चल रहा है, तो वहां पे अगर ट्रैवल करने का जो खर्चा लगा वो हम डायरेक्टली रिलेट कर पाएगा, यार वो तो इसी प्रोजेक्ट के लिए लगा, वो तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगा, वो मेरा क्या बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आंसर रहेगा ऑप्शन 2। जो हम लोग भी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए तो उसमें सेम क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेयरहाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, जो वेयरहाउस का बात हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज के लिए कर रहे हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखो हम लोग जनरली बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पर असली में तो सेलिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग बात। मेरा सेलिंग ओवरहेड क्या रहेगा, गुड्स को जो ज्यादा सेल करने में काम आए, जैसे कि मान लो एग्जांपल एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ। अगला होता है जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आए, जैसे एग्जांपल क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड, या एग्जांपल वेयरहाउसिंग चार्जेस। तो ये मेरा क्या एग्जांपल रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सेम वही क्वेश्चन आगे, आंसर क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू साइट। क्वेश्चन 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड। ये एक क्वेश्चन है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। आप लोगों को याद होगा बैचेस में क्या चीज बनता है, जब हम लोग भी क्लास में डिस्कशन किए थे तो एग्जांपल लिया था मेडिसिन का या ड्रग्स का या फार्मा कंपनीज का, तो वो लोग कैसे बनाते हैं बैचेस में। कभी भी कोई मेडिसिन परचेज करो, ठीक पलट के देखना पीछे लिखा रहेगा बैच नंबर। ये ट्रेस करने के लिए इस पर्टिकुलर बैच में कौन कौन सा यूनिट बनाया गया है, कौन कौन सा प्रोडक्शन हुआ था। तो बैच कॉस्टिंग कहां लगेगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। और डिजाइनर क्लोथ में जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि जो डिजाइनर क्लोथ है ना वो हर एक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, जॉब कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनिंग में क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंटेन्ड इन टिपिकल जॉब कॉस्ट, जो जॉब कॉस्ट शीट बना रहे हैं उसके अंदर में क्या नहीं आएगा। याद करो जॉब कॉस्ट शीट में क्या आता था, पहला क्या आता था, मटीरियल कॉस्ट। अगला क्या आता था, डायरेक्ट वेजेस। अगला क्या आता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्राइम कॉस्ट। अगला क्या आता था, फैक्ट्री ओवरहेड, जो हम लोग रिकवर कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं कस्टमर से। अगला ऑफिस ओवरहेड, जो रिकवर कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं कस्टमर से। सेलिंग ओवरहेड, जो रिकवर या एब्जॉर्ब कर रहे हैं कस्टमर से एट प्रॉफिट। तो यहां पे बोला है कॉस्ट शीट में क्या नहीं आएगा, एक्चुअल मटीरियल कॉस्ट आएगा, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं आएगा, एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा। तो ध्यान देना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो एब्जॉर्ब या रिकवर किए वो आएगा, एक्चुअल वाला नहीं आएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन 2, क्या नहीं आएगा, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन सा लेते हैं, जो एब्जॉर्ब या रिकवर किए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्लियर कट दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 145।
commenced on 1st March and plant from central store was delivered to the site. The book value of plant delivered was rupees 4,20,000. तो 1st मार्च को 4,20,000 का प्लांट आया, ठीक। 1st जुलाई को फर्दर प्लांट और डिलीवर किए जिसका वैल्यू कितना था, 30,000। 1st जुलाई को 30,000 रुपए का प्लांट और आया। मेरा कंपनी का पॉलिसी है टू डेप्रिशिएट ऑल प्लांट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू ईच ईयर। मेरे को कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा फॉर ईयर एंडिंग 31st December। यानी मेरा ये जो प्लांट है ना जो 1st मार्च को आया था वो 31 दिसंबर था, यानी 10 महीना, तो डेप्रिसिएशन भी 10 महीने का आएगा। 1 मार्च से 31 दिसंबर, तो भाई इसका 20% 10 महीना के लिए। यहां पे 1st जुलाई से 31st दिसंबर यानी 6 महीना के लिए आएगा, तो इसका 20% 6 महीना के लिए। सो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे पता है वैल्यू कितना आएगा, 4,20,000 का 20% 84,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 ये बनेगा 70,000। आज ये कितना है 30,000 का 20% 6,000 इंटू 6/12 3,000। आज यानी दोनों मिलाकर कितना बन जाएगा 73,000। आंसर क्या है ऑप्शन 3 73,000। और नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 13 द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू। याद करना ये चैप्टर था प्रोसेस कॉस्टिंग, आप लोगों को शायद याद होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग बनाते थे प्रोसेस अकाउंट। यहां पे क्या आया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड, यानी सारा कॉस्ट आया। मेरे क्रेडिट में क्या आया जो यूनिट कंप्लीट हुआ उसका वैल्यू, जो मेरा नॉर्मल लॉस है उसका वैल्यू, जो मेरा अबनॉर्मल लॉस है उसका वैल्यू। यहां पे क्या कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। जितना मेरा टोटल कॉस्ट लगा माइनस कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यू माइनस नॉर्मल लॉस, वही तो आएगा अब नॉर्मल लॉस का वैल्यू। तो पहले बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट नहीं, टोटल प्रोसेस कॉस्ट करेक्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस तो करना है पर कंप्लीटेड को भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं। टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ स्क्रैप नहीं, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस करेक्ट, माइनस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड आउट गुड्स यानी जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुआ वो आएगा। तो आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एडवाइज टू यूज सर्विस कॉस्टिंग, यानी मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग कहां नहीं लगना चाहिए। पहला डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, तो भाई सर्विस है यानी ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगेगा। अगला हॉस्पिटल, मेरे एग्जाम्पल था ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। अगला मेंटेनेंस डिविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मेंटेनेंस डिविजन है जिसका काम क्या है रिपेयर मेंटेनेंस करना माने खाली सर्विस देना, सर्विस कॉस्टिंग लगेगा। इंजीनियरिंग कंपनी उसमें सर्विस कॉस्टिंग नहीं लगेगा, डन। अगला मेरा क्वेश्चन नंबर 15, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ फिक्स्ड बजट इज डैश। देखो हम लोग ये थ्योरी में पढ़े थे, एक होता है फिक्स्ड बजट एक होता है फ्लेक्सिबल। मेरा फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग क्या करते हैं सारे कॉस्ट को बांटते हैं वेरिएबल फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट पार्ट क्या, सॉरी फ्लेक्सिबल बजट का बेस्ट पार्ट क्या, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बदलेगा हम लोग आराम से हर एक सिचुएशन में निकाल सकते हैं मेरा फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, मेरा वेरिएबल क्या रहेगा, मेरा सेमी वेरिएबल क्या रहेगा। पर मेरा फिक्स बजट के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, वो एक रिजिड है, वो खाली एक ही यूनिट पे निकाल सकते हैं, अगर बाई चांस यूनिट चेंज होगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा क्लासिफिकेशन किया हुआ ही नहीं है कि उसमें फिक्स और वेरिएबल कितना है। अगर क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है तो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कितना कॉस्ट चेंज होगा। तो यहां पे क्या लिखा है, फिक्स्ड बजट इज कंसर्न्ड विद सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी करेक्ट, व्हाइल फ्लेक्सिबल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये था हमारा ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में क्या लिखा है, इज कंसर्न्ड विद फिक्स्ड कॉस्ट जबकि फ्लेक्सिबल बजट इज कंसर्न्ड विद वेरिएबल, गलत। फ्लेक्सिबल में सब आता है फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, बोलते फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड व्हाइल फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस, क्या स्टूपिड ऑप्शन है। अगला नन ऑफ दीज, गलत। आंसर क्या था ऑप्शन 1, डन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन। जो बिगिनिंग में निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बजटेड या प्री डिटरमाइंड। याद करो चैप्टर जब ओवरहेड पढ़े थे तो हम लोग निकालते थे बजटेड ओवरहेड रिकवरी रेट या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट। तो आंसर क्या आएगा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट।
और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 18, इफ अ कंपनी विशेस टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम इन विच एस्टिमेटेड कॉस्ट कैन बी डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम एस्टिमेट ऑफ लेवल एक्टिविटी इट शुड प्रिपेयर अ. अब देखो यहां पे इसको निकालना है कि अगर बाई चांस एक्टिविटी लेवल बदले तो मेरा कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं. तब इस केस में इसको फिक्स बजट नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल बजट, 18 का ऑप्शन 3. नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन 19, क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी 20 रुपया, स्टैंडर्ड रेट है 20, मेरा स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 5 केजी, यानी मेरा हर एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या लगता है, 5. ध्यान देना जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे वो एक यूनिट का थोड़ी लेते हैं या बजेटेड आउटपुट का थोड़ी लेते हैं, हम लोग हमेशा लेते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो भाई एक यूनिट को बनाने में लगना चाहिए 5 केजी. जरा देखो तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया, 100, एक में लगना चाहिए 5, तो 100 में क्या लगना चाहिए, 500, स्टैंडर्ड रेट है 20, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा, 10,000. अब आगे बोलता है एक्चुअल में जो बनाए 100 यूनिट उसके लिए क्वांटिटी क्या लगा, 520, परचेज किए थे 22 के रेट में, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगा, 520 × 22 जो कितना आएगा, 11,440. ठीक, मेरे को निकालना क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस जो क्या आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 10,000 माइनस 11,440 कितना आएगा, -1,440. सिंस ये माइनस में है मतलब ये क्या है, एडवर्स, तो आंसर क्या आएगा, 1,440 एडवर्स. लास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल एंड फिक्स्ड में बांटते थे. और देखो अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताया था मेरा वेरिएबल और फिक्स्ड, सॉरी जो मेरा वेरिएबल और फिक्स्ड में जो बांटते थे वो कौन से बेसिस पे बांटते थे, बिहेवियर वाइज. तो यानी इस क्वेश्चन में जो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल फिक्स्ड में बांट रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं, बिहेवियर वाइज. आइडेंटिफाइबिलिटी बोलता है यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एलिमेंट वाइज बोलता है यानी मटेरियल लेबर और एक्सपेंस, फंक्शन वाइज बोलता है तो फैक्ट्री ऑफिस एडमिन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डन, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 20, 20 नंबर सेक्शन ए. आज जो करने में देखो मेरे को लगा है अराउंड 17-18 मिनट, आज जब यहां पर हम हर एक चीज को डिस्कस करते हुए चल रहा है, ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम में किसी से डिस्कशन तो करना नहीं है, खुद करना है, वहां पर हम श्योर है 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, 15 मिनट 20 मार्क. डन, अब अगला है सेक्शन बी जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, सब कुछ मिला जुलाकर क्वेश्चन आएगा. पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डैश इज एडेड टू इन्वेंटरी. याद होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट आता था, मेरे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों आता है, तो यहां पर फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू इन्वेंटरी. क्वेश्चन 2, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द लिमिट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर. ये पेपर का पहला क्वेश्चन भी था, सेट पैरामीटर में कॉस्ट रखते हैं वो क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल. आंसर क्या आएगा, कॉस्ट कंट्रोल, ऑप्शन 3, सॉरी क्वेश्चन 3, विच मेथड इज फॉलोड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग. देखो लीफो हम लोग फॉलो करते नहीं है, सिंपल एवरेज फॉलो करते नहीं है, सो ऑब्वियसली दो ही मेथड बचता है, फीफो या फिर वेटेड एवरेज. डन, तो आंसर यह रहा. क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग. पहला देखो कॉलम में लिखा हुआ है दो, पावर प्लांट का खर्चा और इंप्यूटेड कॉस्ट. सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस और नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले यानी कैश आउटफ्लो. मेरा पावर का खर्चा, मेरा पावर का खर्चा ऑब्वियसली कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड. और इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या, जहां पे एक्सप्लिसिट मनी जब कॉस्ट लगे, इंप्यूटेड या इंप्लिसिट जहां पे कैश आउटफ्लो ना हो. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3. तो 1 का बनेगा बी, 2 का बनेगा सी, वेरी इजी. मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डैश डिटर्मिनेशन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन. इसके लिए अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है काम हो जाएगा. मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. डैश कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट. ये हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस किए थे, कौन सा कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट में लग गया, जो कॉस्ट मेरा पास्ट में लग गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट, वो पैसा डूब गया, वो एब्सोल्युटली इररिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग.
अब इधर बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी यहां यूज किया हुआ है, तो इधर क्या लिखेंगे संक कॉस्ट। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट लेजर कंटेन्स ऑल डैश अकाउंट। कॉस्ट लेजर ये एक और नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये इसका एक और नाम है नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इसमें क्या आएगा सारा का सारा इन पर्सन अकाउंट। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द नेम द टाइप ऑफ लॉस फॉर विच अ प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। उस लॉस का नाम बता जो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, तो आइदर नॉर्मल या अबनॉर्मल रहेगा कुछ। इज क्रेडिटेड विद वैल्यू फॉर सच लॉस व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज जीरो। बोलते हैं भले ही स्क्रैप वैल्यू जीरो हो तब भी इसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो देख स्क्रैप वैल्यू अगर जीरो हुआ तो नॉर्मल लॉस का वैल्यू जीरो आएगा, पर अब नॉर्मल लॉस का हम लोग हमेशा वैल्यू लिखते हैं किस रेट पे, जिस रेट पे गुड यूनिट का वैल्यू की है, तो ये ऑब्वियसली कौन सा लॉस रहेगा अबनॉर्मल लॉस। डन। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है। अ होटल हैविंग 100 रूम ऑफ विच 80% आर ऑक्यूपाइड इन समर, यानी समर में 80 रूम्स ऑक्यूपाइड है, और बोलते हैं 100 में से 25% रूम्स ऑक्यूपाइड है विंटर में, तो 100 का 25% माने 25 रूम्स ऑक्यूपाइड है। अ पीरियड ऑफ समर एंड विंटर विल बी टेकन एज 6 मंथ्स ईच एंड नॉर्मल डेज इन अ मंथ इज अज्यूम्ड टू बी 30, यानी मेरा समर भी है 6 महीने का, विंटर भी है 6 महीने का, और हर महीना में 30 दिन है, यानी समर 180 दिन का है, विंटर भी 180 दिन का है। ये रहा रूम, ये रहा डेज। कैलकुलेट क्या करना है ऑक्यूपाइड रूम डेज, तो भाई रूम डेज कैसे मिलेगा, कितना रूम भरा हुआ था कितने दिनों तक, कितना रूम भरा हुआ था कितने दिनों तक, ये कितना आएगा और ये कितना जाएगा। ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा 18,900। आंसर आया 18,900। चलो वेरी इजी क्वेश्चन 10। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है, इन अ प्रोसेस 6,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। मेरा रॉ मटेरियल गया 6,000 यूनिट, ठीक है, मेरा 5% नॉर्मल लॉस हो गया, तो 6,000 का 5% माने 300 नॉर्मल लॉस। मेरा क्लोजिंग WIP 60% कंप्लीट है जो 800 यूनिट था, 60% कंप्लीट। और मेरा 4,900 यूनिट कंप्लीट हुआ है जो नेक्स्ट प्रोसेस में गया। अब सोचो जो कंप्लीट होगा ना वो ऑब्वियसली 100% कंप्लीट होगा। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग डिस्कस किए थे पहला बात, देखो तो दोनों तरफ मैच हुआ क्या, 6,000 300 प्लस 800 1100 प्लस 4900 कितना आया 6,000। और मैच नहीं होता तो अब नॉर्मल लॉस भी लिखते या गेन लिखते। अब कुछ भी हो जाए नॉर्मल लॉस में हम लोग कभी कुछ नहीं लिखते, तो इसका जीरो, 800 का 60% 480, 4900 का 100% 4900 मिलाकर कितना आएगा 5380। आंसर क्या है 5380। और नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑर्डर फॉर जॉब कॉस्ट टू बी अवेलेबल ऑन टाइमली बेसिस इट इज कस्टमरी टू अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड। जॉब कॉस्टिंग में भी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपेंस एक्चुअल प्राइम कॉस्ट आ गया। जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, कितना रिकवर किए किस बेसिस पे, प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पे, या बोल सकते हैं बजटेड ओवरहेड रिकवरी रेट पे। डन। अगला मेरा क्वेश्चन 13, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर कंपनीज दैट प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस मास ऑफ डैश थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस। मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग कहां लगता है, जहां पे सेम तरह का प्रोडक्ट बनता रहे। तो यहां पे बोला किस तरह का यूनिट बनाना है, सेम या सिमिलर, या आप लोग के आंसर में लिखा हुआ है लाइक यूनिट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 14, व्हाइल जॉब कॉस्टिंग सिस्टम असाइन कॉस्ट टू डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस डैश असाइन कॉस्ट टू मासेस ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर यूनिट। तो देखो अभी जस्ट पढ़े ना सिमिलर यूनिट, यहां पे क्या लगता है प्रोसेस कॉस्टिंग, एट डैश कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाए तो जरा याद करना सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अगर 1,00,000 है और फिक्स कॉस्ट भी अगर 1,00,000 है यानी प्रॉफिट जीरो, ये कब होगा एट ब्रेक इवन पॉइंट। डन। क्वेश्चन नंबर 16,
A variance analysis is a costing technique based on management by exception. ये हम लोग थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किए थे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्लास है उसमें भी डिस्कस किए थे. अगर बाई चांस वो क्लास नहीं किया हुआ किसी का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्लीज एक बार जरूर देख लेना. अगला क्वेश्चन नंबर 17. लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट ऑफ डैश टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट. ऑब्वियसली भाई क्या होगा, लेबर आर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद करो पहला कॉलम जब बनाते थे लेबर का तो स्टैंडर्ड आर लेबर आर होता था ना. अब आगे बोलते हैं फर्म हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 90,000, सेल वैल्यू 3 लाख, प्रॉफिट 60,000. कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, वो क्या होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100. कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का दो तरीका, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल तो पता है पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता. अगला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट 90,000, प्रॉफिट 60,000, मिला के 150. सेल वैल्यू 3 लाख इंटू 100, कितना मिलेगा 50%. डन. नेक्स्ट है क्वेश्चन 19. व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच डिस्क्राइब्स द बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग प्रोसीजर एक्सेट्रा. तो कौन सा डॉक्यूमेंट में सब लिखा रहता है, बजट मैनुअल. ये हमारे मॉक टेस्ट पेपर में भी था प्लस हमारे थ्योरी में भी डिस्कस किया हुआ है. वेरियंस एनालिसिस इज द कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. यानी जैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है. देखो इधर भी था सेम क्वेश्चन. डन. तो ये था हमारा सेक्शन बी. अब हम लोग करेंगे सेक्शन सी, जहां पे 4 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6, 12-12 मार्क का. ठीक, चलो तुरंत शुरू करते हैं. चलो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी में. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है. चैप्टर मटेरियल, बहुत इजी क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है, डीईएफ लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक स्पेशल प्रोडक्ट. मेरा डीईएफ लिमिटेड क्या करता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है एक प्रोडक्ट. तो देखो जब भी कंपनी कोई चीज को मैन्युफैक्चर करे या प्रोड्यूस करे वो फिनिश्ड गुड्स होता है. मान लो हम बोले कि हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपना माइक. तो माइक मेरा फिनिश्ड गुड्स व्हिच रिक्वायर्स टैंटू. ये माइक को बनाने के लिए एक चीज चाहिए जो कि जिसका नाम क्या है, टैंटू. यानी ऑब्वियस सा बात है ये क्या बनेगा, रॉ मटेरियल. पहला बात, मेरा कंपनी इस चीज को मैन्युफैक्चर किया तो जो चीज मैन्युफैक्चर किया वो फिनिश गुड्स. फिर आगे बोलता है फिनिश गुड्स को बनाने में के लिए क्या चाहिए, टैंटू. यानी वो क्या है उसका, रॉ मटेरियल. फिर आगे द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2020-21. पहला, मंथली डिमांड ऑफ टैंटू दिया हुआ है. तो टैंटू क्या था, रॉ मटेरियल. यानी रॉ मटेरियल का मंथली डिमांड दिया हुआ है. रॉ मटेरियल का मंथली डिमांड दिया हुआ है पर मेरे को चाहिए एनुअल डिमांड. तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे, 12 से. क्या मिल जाएगा, 90,000 यूनिट्स. ये आ जाएगा ए. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट. मेरा रीऑर्डर पीरियड यानी लीड टाइम दिया हुआ है. मेरा कॉस्ट पर यूनिट 60, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम है 10%. तो जब भी कैरिंग कॉस्ट रहेगा परसेंटेज का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट. ये कितना आएगा, 6 रुपया. मेरा नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज सब कुछ दिया हुआ है. पहले पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, री ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. फॉर्मूला क्या, रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू सी, सॉरी रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी. कैलकुलेट करके देखना, यह आ जाएगा 3873 यूनिट्स. नेक्स्ट मेरे को कैलकुलेट करना है री ऑर्डर लेवल. मेरा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो मैक्सिमम कंजम्पशन 750, मैक्सिमम लीड टाइम है 8. तो 750 टू 8 6000. नेक्स्ट निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या, आरओएल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू. तो देखो रीऑर्डर लेवल जस्ट निकाले 6000. माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. मिनिमम कंजम्पशन 2500, मिनिमम लीड टाइम 5. प्लस आरओक्यू या फिर ईओक्यू, पहला पार्ट में निकाले 3873. मेरे को सीधा क्या मिलेगा, 8623 यूनिट्स. डन. ये था हमारा क्वेश्चन. तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था जहां पे 2 + 2 + 2 6 मार्क्स से मेरा काम आराम से निकल गया. नेक्स्ट मेरे को निकालना है इसका पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट ई एंड डी.
आ दो प्रोडक्ट बनाया ईओडी, आ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड, कितना यूनिट बनाया दिया हुआ है, उसमें कितना बेचे दिया हुआ है, कितना घंटा मशीन चला दिया हुआ है, डिजाइन चार्जेस दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोलता है, रॉयल्टी पेड ऑन सेल 150,000 रुपया एट द रेट 3 रुपया पर यूनिट सोल्ड। तो भाई 3 रुपया पर यूनिट सोल्ड, तो सेल कितना किए हैं, इतना इतना एट द रेट 3, तो 30,000 × 3 90,000, 20,000 × 3 60,000, 90,000 60,000 मिला के कितना है 150,000, तो रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड है 65,000, कितना था एट द रेट 1 रुपया पर यूनिट। ये है रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, यानी इस पे मिलेगा एट द रेट 1 रुपया, तो 40,000 × 1 25,000 × 1 तो 40,000 25,000 मिला के कितना आएगा 65,000। मेरा हाई चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ई 16,000। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ई एंड डी। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या, जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए खर्चा क्या लगा। इसमें क्या आता है, ड्राइंग डिजाइन डिपार्टमेंट, ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट। इसके अलावा क्या आता है मेरा, हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अगला क्या आता है, मोल्ड का खर्चा। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, रॉयल्टी का कॉस्ट। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, जो मेरा पावर जो है वो एक डिबेटेबल आइटम है, कभी फैक्ट्री ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर लाइन बाय लाइन ऐड करें, पहला रॉयल्टी पेड ऑन सेल ये कितना है 90,000, ये कितना है 60,000। आप लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सेम क्वेश्चन है, और उसके अंदर में वो लोग इसको रॉयल्टी पेड ऑन सेल को डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि हम लोग यहां पे डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं, अलॉट कर और डायरेक्टली आइडेंटिफाई या ट्रेस कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको सीधा का सीधा डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस 65,000, तो 40,000 × 1 25,000 × 1 तो 40,000 × 25,000। नेक्स्ट डिजाइन चार्जेस भी आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस भी आएगा, तो डिजाइन चार्जेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस आया, और एक जो हायर इक्विपमेंट का चार्जेस था ओनली प्रोडक्ट ई में 16,000, प्रोडक्ट ई में 16,000। तो ये आ गया मेरा वैल्यू, ये सीधा वैल्यू पुट करेंगे और देखो ये कितने मार्क का है, 6 मार्क का। एकदम सिंपल क्वेश्चन, करने में 3 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। चलो डन, ये था हमारा क्वेश्चन 1। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अकेला ही पूरा का पूरा 12 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कोई सब पार्ट नहीं है। चलो क्या लिखा हुआ है, इसका सोल्यूशन हम लोग साथ में ढंग से करते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है, एएसपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एंड बेचता है 200 टाइपराइटर्स इन द ईयर 2020। 2020 में 200 टाइपराइटर बनाकर बेचा, मेरा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना के दिया हुआ है। तो 200 टाइपराइटर को जब बेचे, मेरा सेल वैल्यू ये रहा, मटीरियल का ये रहा, वेजेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है, मैनेजमेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर आगे बोलते हैं फॉर द ईयर 2021, यानी अगले साल मेरा आउटपुट एंड सेल विल बी 300 टाइपराइटर। यानी मेरा इन शॉर्ट ये सारा खर्चा लगा था 200 के लिए, मेरे को कैलकुलेट करना है 300 के लिए क्या होगा। पहला बात बोलते हैं प्राइस ऑफ मटीरियल विल राइज बाय 25%, मेरा वेजेस बढ़ जाएगा 10%, मेरा मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड वेजेस। मेरा कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस जो आएगा, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, वो सेम प्रोपोर्शन में ही रहेगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड और अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड माने चेंज नहीं होगा। करना क्या है, कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2020। तो भाई 2020 के लिए क्या निकालना है, दिया वही है, सेल वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सेल में से प्रॉफिट हटा दे, कॉस्ट आ गया, तो 6 लाख है सेल वैल्यू, प्रॉफिट है 45,000, कॉस्ट क्या होगा, 6 लाख माइनस 45,000, 555,000। ये एक और तरीका, सारे के सारे कॉस्ट को जोड़ दो, 555,000, 555,000, 45,000, ये 200 टाइपराइटर से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिए, क्या लॉलीपॉप चीज था। अब अगला बोलता है कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट फॉर 2021। 2021 में पर यूनिट मटेरियल प्राइस क्या होगा। अच्छा भाई, मेरा मटेरियल का
आप पहला साल में लगा था 1,20,000 जब 200 टाइपराइटर बनाए, तो भाई 1,20,000 था डिवाइडेड बाय जब 200 टाइपराइटर बनाए माने 600 रुपया पर टाइपराइटर, पर यूनिट निकालना है, 600 रुपया पर यूनिट, पर बोलते हैं अगले साल ना 25% बढ़ जाएगा, तो भाई जो 600 रुपया था अगले साल ये 25% बढ़ जाएगा, तो 600 को 25% बढ़ा कितना आएगा 750, यानी शॉर्ट मेरा अगले साल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा 750। आंसर क्या है 750। कैसे है 600 था 25% ऐड करके 750, वेरी इजी, फ्री का दो नंबर और ये फ्री का तीन नंबर था। अब और कैलकुलेट करना है वेजेस पर यूनिट फॉर 2021, वेजेस पर यूनिट। ओके तो देखो भाई पहले वेजेस था 1,80,000 रुपया जब 200 टाइपराइटर बनाकर बेचे, यानी पर यूनिट कितना लगता था 1,80,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा 900 रुपया पर यूनिट। अब बोलते हैं अगले साल वेजेस पर यूनिट 10% बढ़ेगा, तो इस साल 900 था अगले साल ये 10% बढ़ेगा यानी कितना बन जाएगा 990 रुपीज पर यूनिट। आंसर आया 990 रुपीज पर यूनिट, ये भी था दो मार्क का, वेरी इजी, तो ये है 990 पर यूनिट। ठीक नेक्स्ट कैलकुलेट करना है फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2021, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2021, और फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा था या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में, इट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड वेजेस। जो मेरा कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटीरियल वेजेस है उस जो यानी प्राइम कॉस्ट, जितना पहले प्राइम कॉस्ट था वो जितना परसेंट बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उतना परसेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब देखो भाई पहले था 3,00,000 रुपया 200 टाइपराइटर के लिए, यानी कितना करके था 1,500 रुपया ठीक पर यूनिट, और अभी पर यूनिट कितना आया हुआ है 750 प्लस 990 1,740 पर यूनिट ठीक। मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75,000 था जब 200 यूनिट सेल कर रहे थे यानी 375 ठीक। अब इस साल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट क्या आएगा भाई जब 375 लगा था जब 1,500 रुपया था मटेरियल वेजेस मिला के पर यूनिट, अभी अगर 1,740 है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 375 बाय 1,500 इंटू 1,740 कैलकुलेट करके देखना यह आएगा 435 रुपया पर यूनिट 435। तो ये आ गया 435 रुपीज पर यूनिट, मेरा मटेरियल पर यूनिट आया, वेजेस पर यूनिट आया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट आया। अब मेरे को अगले पार्ट में क्या निकालना है कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस एट विच इट शुड बी मार्केटेड सो एज टू शो प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2021 ठीक। मेरे को निकालना है वो सेल वैल्यू जब ये प्रॉफिट कितना कमाना चाहेगा 10% ऑन सेल, तो देखो प्रॉफिट होता है 10% ऑन सेल माने 10/100 1/10 ऑन सेल यानी 1/9 ऑन कॉस्ट। तो एक काम करते हैं सारे कॉस्ट को जोड़ देते हैं मेरे को अपने मिल जाएगा। तो देखो मेरा मटेरियल इतना वेजेस इतना ओवरहेड इतना सबको अगर ऐड करेंगे 750 प्लस 990 प्लस 435 इतना रुपया पर यूनिट आ रहा था और अगले साल कितना टाइपराइटर बेच रहे थे 300 तो इंटू 300 कितना खर्चा लगा 650 to 500। इसमें मटेरियल वेजेस ओवरहेड मिला के इतना आया ठीक। अब आगे क्या बोलता है ये ले लिए थे ये ले लिए सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट बोलते हैं सेम रहेगा। सेलिंग एक्सपेंस 45,000 था जब 200 यूनिट बना के बेच रहे थे तो 45,000 डिवाइड बाय 200 ये था 225 रुपीज पर यूनिट। बोलता है पर यूनिट ये अभी भी इस साल सेम रहेगा तो भाई अगर 300 बेचते हैं तो 225 इंटू 300 कितना आएगा 67,500 ठीक। मेरा ये तीन खर्चा के बारे में कुछ नहीं बोला क्या होता है अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड यानी वो फिक्स कॉस्ट है सेम रहेगा तो भाई ये तीनों मिलाकर कितना आता है 1,35,000। तो देखो तो टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा आ 8,55,000। इसमें ऐड करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट क्या कमाना था 10% ऑन सेल 1/10 ऑन सेल 1/9 ऑन कॉस्ट यानी इसका 1/9
तो सेल वैल्यू कितना जाएगा 9.5 लाख। तो अगर आपको कैलकुलेट करके देखोगे सेल वैल्यू 9.5 लाख, प्रॉफिट इतना, टोटल कॉस्ट इतना, डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? AL कंपनी ऑपरेट्स ए जॉब कॉस्टिंग सिस्टम और कंपनी का स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20% ऑफ सेल। और 20% ऑफ सेल यानी 20/100, 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट, डन। और ये पर्टिकुलर जॉब B1-4 के लिए खर्चा क्या लगा? और डायरेक्ट मटेरियल 3 kg एट द रेट 5 यानी ₹15। और डायरेक्ट लेबर 4 घंटा काम किया एट द रेट 9 यानी ₹36। और मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड 2,40,000 सोचे पूरे पीरियड का, और जिसको रिकवर करेंगे 30,000 लेबर आर में, तो 2,40,000 लगेगा 30,000 लेबर आर में यानी ₹8 पर लेबर आर। तो मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा? हर घंटे का 8, तो भाई 4 घंटा काम हो रहा है तो क्या आएगा? 4 × 8 कितना बनेगा? 32। अब आगे बोलता है अदर ओवरहेड रिलेटिंग टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है 1,50,000 पूरे पीरियड का, और इसको रिकवर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 7.5 लाख रुपया था। तो भाई पहले इस जॉब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले कितना है? 15 + 36 + 32 ये कितना आ जाएगा? 83। अब इसमें ऐड करेंगे ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मेरा ये कितना था? 1.5 लाख रुपया, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 7.5 लाख, और 1.5 लाख रुपया था जब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 7.5 लाख यानी कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो अगर पूरे कंपनी में मेरा ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इस जॉब में भी उतना ही रिकवर करना है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 83 था, इसका अगर 20% निकालेंगे कितना आएगा? 16.6। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा? 99.6। अब ऐड करना है प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, तो भाई जितना कॉस्ट आया इसका 1/6 कर दे, कितना आएगा? 24.9 मिला के सेलिंग प्राइस, डन। चलो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 3 का पार्ट 2। ओके, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ रहता है सेम नंबर के साथ। अगर हम फटाफट बनाते हुए चले, मेरा प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दिया हुआ है और उसके बाद एफजी अकाउंट है। पहला बात, प्रोसेस 1 में इतना रॉ मटेरियल गया इस रेट पे, अगले प्रोसेस में गया इतना यूनिट, नॉर्मल लॉस है 5%, वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया है एंड स्क्रैप का सेलिंग रेट दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बाय चांस प्रोसेस अकाउंट बनाए तो कैसा बनेगा? प्रोसेस 1 और डायरेक्ट मटेरियल है, एक बार इसका मेरा वैल्यूज हम फटाफट पुट करता है कितना कितना है। और मेरा रॉ मटेरियल गया था 7500 यूनिट एट द रेट 60 यानी 4.5 लाख, ये दोनों हो गया। और मेरे अगले प्रोसेस में गया 7050, तो बाय प्रोसेस 2 7050 यूनिट गया, ये हो गया। और मेरा नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, तो भाई 7500 यूनिट गया, इसका 5% नॉर्मल लॉस यानी 375 आएगा। और डायरेक्ट वेजेस लगा 135750, और मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है 60% ऑफ वेजेस, तो 135750 का 60% 81450, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलता है 20% ऑफ वेजेस, तो 135750 का 20% 27150।
और स्क्रैप का रेट है 12.5, तो भाई नॉर्मल लॉस जो आया उसको 12.5 के रेट में बेचना है, तो 375 × 12.5 ये कितना बन जाएगा, 4688। प्रोसेस फंड बना। पहला काम जैसे ही हम लोग बनाएंगे, सबसे पहला काम दोनों साइड के क्वांटिटी को मैच कर ये देखने के लिए अब नॉर्मल लॉस है या गेन। तो इधर 7500 था, यहां पे मिला के है 7425, तो इधर 75 और आएगा, वो अब नॉर्मल लॉस आएगा, क्वांटिटी मैच हुआ। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इन दोनों का रेट क्या रहेगा, सेम वही, मेरा अब नॉर्मल लॉस का रेट वही रहेगा जो गुड यूनिट का था, वो कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय इतना इनपुट गया था माइनस नॉर्मल लॉस, यानी शॉर्ट सारे कॉस्ट को ऐड करें तो 4.5 लाख प्लस 135750 प्लस 81450 प्लस 27150 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप 4688 डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस 7125। और देखना रेट आएगा 96.7947, तो 96.7947 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू आएगा 682403 और ये वैल्यू आएगा 7259। मेरा दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा। तो देखो मेरे को पहले पार्ट में क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कैरी टू प्रोसेस टू एंड इट्स वैल्यू। तो प्रोसेस टू में कितना यूनिट गया, 7050 जिसका वैल्यू है 682403, 7050 जिसका वैल्यू है 682403। अगला मेरे को निकालना है एफजी में कितना यूनिट और उसका वैल्यू क्या होगा, तो चलो बनाते हैं प्रोसेस टू अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस वन से आएगा ये 7050 यूनिट जिसका रेट पता है 682403 वैल्यू। अब प्रोसेस टू में नया रॉ मटेरियल कुछ नहीं आया, पर एफजी में कितना गया 6525। आ 10% है नॉर्मल लॉस, तो भाई 7050 का नॉर्मल लॉस आया 10% 705। और डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सब दिया हुआ है, और डायरेक्ट वेजेस 129250 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 65%, तो 129250 का 65% और यह आएगा 84012 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है 15% ऑफ वेजेस, 15% ऑफ वेजेस जो कितना आ जाएगा 19388। फिर लास्ट में स्क्रैप को बेचेंगे 37.5 के रेट में, तो जरा देखना ये वैल्यू कितना आएगा 26438। ठीक, पहला काम दोनों तरफ के क्वांटिटी को मैच कर देख, अब नॉर्मल लॉस आया है अगेन, ये है 7050 और ये मिलाकर है 7230, यानी इधर में बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना आएगा 180, ये होगा अब नॉर्मल गेन। तो पहला बात क्वांटिटी मैच, अगला अब नॉर्मल गेन का रेट वही रहेगा जो गुड यूनिट का रेट था, जो कैसे मिलने वाला है, सारे कॉस्ट को जोड़ दे माइनस सेल ऑफ स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो सारे कॉस्ट को जोड़ ये वैल्यू कितना आ जाएगा 682403 प्लस 129250 प्लस 84012 प्लस 19388 माइनस 26438 डिवाइडेड बाय 7050 माइनस 705 जो क्या होगा 6345। देखना ये रेट कितना आएगा 140.0496। तो देखना ये वैल्यू कितना बन जाएगा 913824 और ये वैल्यू कितना बन जाएगा 25209। तो देखो मेरे को यहां पे क्या निकालना था सेकंड पार्ट में, आप एफजी में कितना यूनिट गया जिसका वैल्यू क्या था, तो एफजी में कितना गया 6525 यूनिट जिसका वैल्यू था इतना, 6525 यूनिट जिसका वैल्यू था इतना। डन। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सी, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एफजी अकाउंट, एफजी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ओके,
अब यहां पे क्या लिखा है कि जो 6525 यूनिट पहुंचा ना, 6525 यूनिट जो पहुंचा एफजी में, उसमें बोलते हैं 6000 यूनिट को हम लोग बेच दिए एट अ प्रॉफिट, 6000 यूनिट को बेच दिए, तो 6525 में 6000 बेचे मैंने, 525 पड़ा रह गया और मेरे को निकालना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ही है। यानी एफजी अकाउंट इवन तो ये लोग बनाया पर बनाने का जरूरत ही नहीं है। मेरा हर एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट था 140.0496, इसमें 6000 बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक है 525, जिसका रेट क्या होगा कॉस्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 525 से, पता है मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 73526, तो सीधा आंसर देखना कितना आएगा 73526, डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है खत्म। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी किया हुआ रहता है चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टोल का, इनफैक्ट सेम नंबर के साथ। क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस कॉस्टिंग भी सेम किया हुआ था, मटेरियल भी सेम किया हुआ था, तो अगर बुक हमारा ऑलरेडी अच्छे से किया हुआ है तो सारा क्वेश्चन अपने आप आराम से हो जाएगा। और ये भी नहीं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है? सीईडी टोल प्लाजा बिल्ट अ 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। देखो जहां जहां नंबर है ना, बस खाली उसको सर्कल कर रहा है, बाकी सब इरेलेवेंट। एंड नाउ ऑपरेट्स अ टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द सेम। कंपनी हैज इन्वेस्टेड रुपीज 600 करोड़ टू बिल्ड द रोड एंड हैज एस्टिमेटेड दैट 60 क्रोर व्हीकल विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग द 10 इयर्स टोल टेन्योर, टोल कलेक्शन टेन्योर। टोल को ऑपरेट और मेंटेन करने का खर्चा अप्रैल महीना में कितना है दिया हुआ है। यानी मुझे क्या करना है, आप करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है? और क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड टोल रेट पर व्हीकल, वेरी इजी। आप पहले कैलकुलेट करना है मेरे को टोटल कॉस्ट, और ये अप्रैल महीने का यानी एक महीने का पहला बात। देख भाई 600 करोड़ रुपया लगा था बिल्ड ये पूरे रोड को बनाने का, जो 10 साल मेरा काम आएगा। यानी मेरा अगर डेप्रिसिएशन निकाले तो परिणाम कितना होगा, 600 करोड़ बाय 10, 60 करोड़ एक साल का, पर मेरे को चाहिए एक महीने का, तो 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 कितना बनेगा, 5 करोड़। तो मेरा पहला बात, कैपिटल कॉस्ट का पोर्शन किए 5 करोड़। नेक्स्ट, इसके अलावा ये 4-5 खर्चा और, आपको सैलरी देंगे कलेक्शन पर्सनल को, कुल मिला के 3 शिफ्ट है और हर शिफ्ट में 4 आदमी आया, मतलब एक दिन में 12 आदमी आया, सबको क्या देते हैं 150 रुपया पर डे पर पर्सन। तो भाई एक आदमी को 150, तो 12 आदमी को 12 × 150 पर डे है, और अप्रैल में दिन कितना होता है 30, तो 15 × 12 × 30 150 × 12 × 30। नेक्स्ट, सुपरवाइजर, 2 शिफ्ट में काम हो रहा है और हर शिफ्ट में बस एक एक जन आया, मतलब 2 शिफ्ट में 2 ही लोग आएगा, 250 रुपया पर डे पर पर्सन, तो 2 आदमी के लिए इंटू 2 पर डे, तो महीना के लिए इंटू 30, तो 250 × 2 × 30 250 × 2 × 30 ये वैल्यू आ गया। सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट में काम हुआ, हर शिफ्ट में 2-2 लोग आए, यानी 6 लोग आए, 150 रुपया पर डे पर पर्सन, तो एक जन का 150, तो 6 का 150 × 6 पर डे है, तो इंटू 30, तो 150 × 6 × 30 150 × 6 × 30। सिमिलरली टोल बूथ मैनेजर, 2 शिफ्ट, हर शिफ्ट में 1 आदमी, यानी 2 × 400 रुपया दिए इंटू 30, कितना आ जाएगा 24,000, डन। फिर आगे बोलते हैं टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी का 80,000 लगा, टेलीफोन का 40,000, मेंटेनेंस का 30 लाख, सीधा वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट, 80,000, 40,000, 30 लाख, सब मिलाकर आ गया टोटल कॉस्ट इतना आया टोटल कॉस्ट। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर, तो भाई ये आया टोटल कॉस्ट, मेरे को निकालना है पर किलोमीटर। याद है ये रोड कितने किलोमीटर का था, 60 किलोमीटर का, तो मेरा कॉस्ट आ गया है ये वैल्यू, ये है 60 किलोमीटर के लिए, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, पर किलोमीटर मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 887333। अगला मेरे को निकालना है टोल रेट पर व्हीकल, अज्यूमिंग देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल। तो देखो भाई इतना कॉस्ट आया हुआ है, पहले ऐड करना है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाना है, कैलकुलेट करना है पहले प्रॉफिट,
प्रॉफिट कमाना है 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट, यानी जितना मेरा कॉस्ट आया इसमें प्रॉफिट कमाना है 25%। तो 5324000 का 25% जाएगा 1331000। तो पता मेरा रेवेन्यू क्या बन जाएगा, 6655000। यानी इस महीने में मुझे रेवेन्यू कमाना है इतना, और इस महीने में कितने व्हीकल्स पास होने वाले हैं, कितने व्हीकल्स पास होने वाले हैं, कुल मिला के 60 करोड़ व्हीकल निकलेगा 10 साल में, मतलब एक साल में 6 करोड़, पर मेरे को चाहिए एक महीने का, तो एक साल में 6 करोड़, तो एक महीने में क्या आएगा, 6 करोड़ बाय 12 50 लाख। तो यानी इतना रेवेन्यू कमाना है 50 लाख व्हीकल से, तो पर व्हीकल कितना चार्ज करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय 50 लाख जो आ जाएगा 13.31, आंसर है 13.31। डन। नेक्स्ट एक थ्योरी है जो आप लोग आराम से पढ़ के समझ लेना। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है सीधा 12 मार्क का, जिसमें लेबर कॉस्ट रेट एफिशिएंसी गैंग आइडल टाइम यील्ड सब निकालना है, पर इसमें ना आई थिंक 2-3 आंसर्स गलत दिया हुआ है। चलो एनीवेज हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या है और इसका कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। चलो इसका कॉस्ट कार्ड बनाए क्या दिया हुआ है। पहला, द फॉलोइंग वॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैंग ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ इन वन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कर्स एंड वेज रेट पर आर इज एज बिलो। अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में कितने आदमी है, 2, 4 और 4, और इनका स्टैंडर्ड रेट कितना है, 20 रुपया पर आर, 12 रुपया पर आर, 8 रुपया पर आर। तो अगर हम लोग कॉस्ट कार्ड बनाए तो वर्कर्स हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। पहला चाहिए स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट तो मुझे मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट मेरे को मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट। अब सर ये क्वेश्चन में आइडल टाइम भी है, तो कुछ एक्चुअल आर में से कुछ प्रोडक्टिव है बाकी आइडल टाइम है, और सिंस यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी निकालने बोला है, तो जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर आया इसको हम लोग बांटेंगे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जो जो इन्फॉर्मेशन दिए वर्ड टू वर्ड लिखना, पहले बोलते हैं स्किल्ड वर्कर है 2, सेमी स्किल्ड 4, यहां पे 4 इतने वर्कर्स है, पर मेरे को तो भाई 8 चाहिए, वो निकालेंगे अभी जो वर्कर्स दिए लिखते हैं। स्टैंडर्ड रेट 20 12 8, स्टैंडर्ड रेट 20 12 8। अब आगे बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वॉज 4 यूनिट पर आर, मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग 4 यूनिट पर आर, यानी हर एक घंटा काम करके स्टैंडर्ड में 4 यूनिट बनाना चाहिए सबको मिला के पूरे गैंग को। क्वेश्चन उठते हैं, पहले बताओ ये लोग कितना घंटा काम किया। क्वेश्चन में लिखा है गैंग 200 घंटा काम किया, तो देखो हर घंटे में 4 यूनिट बनाना चाहिए, हर घंटे में 4 यूनिट बनाना चाहिए, मतलब 200 घंटे में कितना यूनिट बनाना चाहिए था, 800। तो यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 यूनिट बनाना चाहिए, पर एक्चुअल में ये लोग कितना बनाया है, 810 यूनिट। तो पहला बात, ये लोग था वर्कर्स था 2 4 4, सब कितना घंटा काम किए, 200, यानी इतना 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 कार काम हुआ, और 200 घंटे में हर घंटे में 4 बनाना चाहिए, मतलब 200 में 800 यूनिट बनाना चाहिए था, पर एक्चुअल में बनाया 810। तो ये था 800 यूनिट के लिए, तो 810 के लिए क्या होगा, ये था 800 के लिए, तो 810 के लिए क्या होगा, 810 के लिए क्या होगा, अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये आएगा 405, ये आ जाएगा 810, 810, तो 405 इंटू 20 8100, 810 इंटू 12 9720, 810 इंटू 8 6480। तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाले कितना आ जाएगा, 24,300। ठीक, नेक्स्ट है मेरा एक्चुअल आर। अब जरा देखिए एक्चुअल के बारे में क्या लिखा हुआ है, अब होता है एक्चुअल में कितने वर्कर्स थे और उनका रेट क्या था दिया हुआ है, स्किल्ड में 2 3 5 और रेट है 20 14 10, तो 2 3 5
दो वर्कर, तीन वर्कर, पांच वर्कर, पर काम सबकी है 200 200 घंटा, यानी 400 आर जाएगा, 600 आर जाएगा, 1000 आर। और किस रेट में पेमेंट हो रहा है? 20 14 10। तो बता एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा? यहां पे 8000, यहां पे 8400, यहां पे 10000, मिलाकर कितना बन जाएगा? 26400। डन। अब आगे बोलते हैं, जो 200 आर काम किया ना, इसके अंदर में 12 आर वो था व्हेन नो प्रोडक्शन वाज पॉसिबल ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। यानी जो हर एक वर्कर 200 घंटा काम किया, इसमें 12 घंटा आइडल टाइम है। तो अगर 12 घंटा आइडल टाइम है तो 200 में 12 अगर आइडल टाइम है तो प्रोडक्टिव आर 188 हुआ, 200 माइनस 12, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर क्या आएगा? दो वर्कर इंटू 188, 376। आइडल टाइम क्या हो जाएगा? 24 आर। अब यहां पे भी तीन वर्कर इंटू 188, 564 आर। आइडल टाइम क्या बन जाएगा? 36। यहां पांच वर्कर इंटू 188 जाएगा 940। आइडल टाइम क्या हो जाएगा? 60 आर। डन। चलो डन। मेरा एक्चुअल प्रोडक्टिव आर कितना हो जाएगा? 1880 आर। एक्चुअल आर है 2000 और यहां पर आएगा 2025। ठीक। अब लास्ट वाले कॉलम में मेरे को क्या बनाना है? एक्चुअल प्रोडक्टिव आर यानी 1880 इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अगर ये स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में होता तो क्या होता? तो स्टैंडर्ड में प्रोपोर्शन 2:4:4 था, तो 1880 को हम लोग बांट रहे हैं 2:4:4 के रेशियो में, 376, 752 and 752। अब एक बार मेरा कॉस्ट कार्ड बन गया, निकालना क्या है? 6 वेरियंस। पहला है कॉस्ट वेरियंस, क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो 24300 माइनस 26400, 2100 माइनस में, तो 2100 एडवर्स। चलो आ गया। अगला मेरे को निकालना है रेट वेरियंस। मेरा रेट वेरियंस का फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर, तो 20 माइनस 20 जीरो इंटू 8100 इंटू 400 जीरो ही होगा। 12 माइनस 14 माइनस 2 इंटू 600 क्या बनेगा? माइनस 1200। 8 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 1000 माइनस 2000, यानी ये कितना जाएगा? 3200 माइनस में, मतलब 3200 एडवर्स। क्या है? 3200 एडवर्स। नेक्स्ट मेरे को निकालना है एफिशिएंसी वेरियंस। यहां पे आप लोग का इंस्टीट्यूट गड़बड़ कर दिया। मेरा एफिशिएंसी वेरियंस क्या होगा? कितना घंटा दिया माइनस कितना देर में काम किया, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर लेना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो कितना आना चाहिए? 405 माइनस 376 इंटू 20 जाएगा 580 पहले वाले का, दूसरे वाले में 810 माइनस 564 इंटू 12 जाएगा 2952, 810 माइनस 940 इंटू 8 जाएगा माइनस 1040। सो अगर ये सबको ऐड कर दे, ये आएगा 2490 फेवरेबल। एक मिनट, ये 405 माइनस 376 इंटू 20 ये कितना आया था? 29580 प्लस 2952 माइनस 1040 2490 फेवरेबल, ये आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट मेरे को निकालना है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस बड़ा सिंपल है, जितना आइडल टाइम था इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो 24 इंटू 20 480, 36 इंटू 12 432, 60 इंटू 8 480, ये मिलाकर आएगा 1392 एडवर्स। ऑब्वियसली आइडल टाइम हमेशा एडवर्स में रहेगा। डन।
इसके बाद मेरे को क्या निकालना है, एफिशिएंसी एंड सॉरी यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू एसआर। और मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इनटू एसआर। यहां पे आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सो आई थिंक ये वाला हम लोग क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अगला थ्योरी क्वेश्चन है और सेक्शन डी में बस खाली एक ही क्वेश्चन है, वो है चैप्टर बजट का, और जो हम लोग फटाफट पढ़ के अपने आप खत्म करते हैं। बस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये सारे के सारे परसेंटेजेस में मेरा 1, 2, 3, 4, 5 कॉस्ट कितना लग रहा है दिया हुआ है। पहले मेरे को निकालना है ये सारी कॉस्ट का नेचर क्या है, क्या फिक्स्ड है, क्या वेरिएबल, क्या सेमी वेरिएबल। तो पहला देखो मेरा वेरिएबल का पहचान क्या, जो पर यूनिट सेम रहेगा, या यूनिट तो नहीं दिया पर परसेंटेज दिया, तो जो पर परसेंटेज सेम रहेगा। 16,000 था 40% के लिए, तो 16,000 / 40 1% के लिए कितना आएगा 400। 24,000 / 60 400। 32,000 / 80 400। 40,000 / 100 400। तो ये पूरा पूरी वेरिएबल है, कितना है 400 रुपया पर परसेंटेज। और डायरेक्ट मटेरियल 12,000 / 40 30 18,000 / 60 30 24,000 / 80 30 30,000 / 100 30 300। अब अगर प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐसे करके देखेंगे ना, तो तुम लोग देखेगा सब के अंदर में अलग अलग आ जाएगा। 11,400 / 40 285। अगले वाले में आएगा 210। तो अगर ना टोटल में सेम रहे ना पर परसेंटेज, तो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल है। और अगर ये सेमी वेरिएबल है तो हम लोग निकालेंगे इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कितना, कैसे, चेंज इन कॉस्ट 15,000 - 11,400 कितना आएगा 3,600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40, तो 3,600 डिवाइडेड बाय 60 कितना बनेगा 60। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा ₹60 पर परसेंट, तो 40 में कितना था 60 × 40 2,400, पर भाई 11,400 था, यानी बाकी 9,000 क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में निकालेंगे 7,000 - 5,800 1,200 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 60, तो 1,200 / 60 कितना आएगा ₹20 पर परसेंट। तो 40% में वेरिएबल कितना आएगा 40 × 20 800, इस टोटल में से 800 हटा दा, फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 5,000। सेलिंग में निकालेंगे 8,000 - 6,200 1,800 डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज 60 कितना आएगा 30 रुपया। तो अगर ये कैलकुलेट करेगा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 30 × 40 1,200 वेरिएबल, 62 में से 1,200 हटा, बाकी फिक्स 5,000। यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगर सबको जोड़ दे पता है कितना बन जाएगा 700 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 30 810 रुपया, और ये कितना बन जाएगा 19,000। डन, नेक्स्ट। ड्यू टू बिजनेस रिसेशन द फर्म इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 50%, पर आज के दिन ये 50% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है। As the selling price had to be lowered to such extent that the board of directors is considering seriously whether or not the factory should be closed down temporarily until recession has passed. पूरा ज्ञान का बात है, नंबर नहीं है, काम का नहीं है। Next. A market research team advised to firm that there will be an increase of sale to 75% of capacity and sale revenue would be expected to be 90,000. यानी अगर 75% कैपेसिटी में ऑपरेट किया तो सेल वैल्यू 90,000 होगा, ये निकाला। और प्रेजेंट में जब 50% में ऑपरेट कर रहा है तो सेल वैल्यू इतना आ रहा है। डन। मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री, तो उसके बाद ये एस्टिमेट कर रहा है कि प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट वुड बी रिड्यूस टू 11,000, 19 की जगह 11 हो जाएगा। क्लोज डाउन कॉस्ट लगेगा 7,500 और कुछ और मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब लगेगा, देखते हैं क्या काम आएगा। निकालना क्या है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना है एट 50% कैपेसिटी। तो भाई देख, मेरा हर परसेंट में वेरिएबल कॉस्ट था 810, तो 50% में क्या आएगा 810 × 50 40,500, तो इसका आंसर आया 40,500। इनका तरीका जो है वो है, क्योंकि वर्किंग एनीवेज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो यहां पे पहले सारा वेरिएबल निकाल लिए, हर परसेंट में 810, तो 50 में 810 × 50 पहला पार्ट डन।
अब आगे बोलते हैं कैलकुलेट करो वेरिएबल कॉस्ट एट 75% कैपेसिटी. ठीक है, मेरा हर परसेंट में 810 था, तो 75 में 810 इंटू 75 कितना आएगा? 60750. 60750 ये भी हो गया. अगला मेरे को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट. अगर 50% कैपेसिटी में काम करे, प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट. 50% में सेल वैल्यू कितना था? देखो दिया हुआ था 50% में सेल वैल्यू है 49,500. मेरा 50% में वेरिएबल कॉस्ट निकाले थे, 50% में वेरिएबल कॉस्ट था 40,500 और फिक्स कॉस्ट तो एनीवेज हम लोग कैलकुलेट किए थे जो कितना था 19,000. ये आ जाएगा माइनस 10,000. डन. मेरा आखिरी पार्ट कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी, सेल माइनस वीसी माइनस एफसी. 75% में सेल वैल्यू दिया हुआ था, 75% में 90,000, फिक्स कॉस्ट तो 19 रहेगा. जल्दी पता है ये सारा इंफॉर्मेशन कोई काम का ही नहीं था, क्वेश्चन खत्म हो गया. 90,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाले? 60750. 90,000, 60750 और 19,000. ये अगर कैलकुलेट करके देखेगा ये आ जाएगा 10,250. डन. चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है खत्म और हमारा पूरे पेपर का डिस्कशन भी होता है खत्म. थैंक यू सो मच. बाय.